सिंहासन उसको दिया तूने? अरे एक नंबर की डायन है वो, भूतनी चुड़ैल वैम्पायर, खून देखते ही आ जाती है। आत्मा की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो आत्मा वापस चली जाती है। I can see dead people. ये क्या काम करत बड़ा? ये हमसे भी बड़ा हरामी है। क्या लगा कहानी खत्म हो गई? दुनिया जो भूतों से डरती है। तो अभी बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी का जमाना आ चुका है, जहाँ पे पहले इक्का दुक्की ही हॉरर कॉमेडीज देखने को मिलती थी, अभी हमें बढ़िया क्वालिटीज देखने को मिल रही हैं। चाहे वो स्त्री 2 की बात कर ले, जो अभी अभी थिएटर्स में नंबर 1 मूवी बन चुकी है, और अभी 2000 में शुरू हुई अक्षय कुमार के साथ भूल भुलैया का पार्ट 3 भी आने जा रहा है, जिसको पार्ट 2 के साथ कंटिन्यू किया था कार्तिक आर्यन ने। और ये भूल भुलैया का पार्ट 2 भी काफी ज्यादा हिट रहा था, और अभी उसी लेगेसी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 3 भी आ रहा है, जिसका टीजर भी अभी यूट्यूब पे ही रिलीज कर दिया गया है, और ये भी कमाल का लग रहा है, जिसमें कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन एक बार फिर से वापसी करने वाली है मंजुलिका के रोल में। तो इस मूवी की कहानी भी कमाल है, लेकिन इस बार हमें कुछ नया देखने को मिलता है या नहीं उस पे ही डिपेंड करेगी इस मूवी की सक्सेस। बाकी अभी टीजर से ज्यादा कुछ रिवील तो नहीं हुआ है, बस कहानी तो वही होने वाली है, लेकिन डिपेंड करता है कि इसका ह्यूमर कैसा होगा और ह्यूमर के साथ हमें कॉमेडी कितनी देखने को मिलने वाली है। वैसे इसमें जो छोटे बाबू का कैरेक्टर होने वाला है, जिसे हम कह सकते हैं कि भूल भुलैया के पार्ट 1 के राजपाल यादव के कैरेक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और ये बंदा है भी बहुत फनी है, जिसके मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं, और क्या कमाल का हंसाता है ये बंदा। बाकी इस मूवी में इसका कैरेक्टर कितना हंसाने वाला होने वाला है वो तो इस मूवी के राइटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमें इस मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आपको कैसा लगा इस मूवी का टीजर, और बात करें इस मूवी के ट्रेलर की, तो वो भी हमें आने वाले कुछ दिनों में ही देखने को मिलने वाला है, जिसका ट्रेलर हमें अक्टूबर मंथ के मिड में देखने को मिलेगा, मतलब 11 से लेकर 15 अक्टूबर के आसपास इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा, और इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म की गई है 1 नवंबर की। जी हां, 1 नवंबर को ये मूवी हमें थिएटर्स में देखने को मिलने वाली है, और इसमें स्पेशल बात एक और है, जो है हमारी एनिमल मूवी से नेशनल क्रश बनी तृप्ति दिमरी की, जो इस मूवी में मेन एक्ट्रेस के कैरेक्टर में होने वाली है, मतलब कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट, जिसको वैसे इतना स्क्रीन टाइम तो नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी अपनी छाप तो जरूर छोड़ने वाली है, जैसे कि एनिमल मूवी में छोड़ी थी। बाकी आपको इस मूवी का टीजर कैसा लगा उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और आपको क्या लगता है कि ये मूवी 3 के पार्ट 2 को बीट कर पाएगी या नहीं उसके बारे में भी नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना।